हेलो फ्रेंड्स, आई मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो अपने यूजीसी नेट पेपर वन में मैथमेटिकल रीजनिंग के बारे में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो अच्छे से सॉल्यूशंस को देखना है, आराम से चित्त को रिलैक्स करके, मन को शांत करके। ये कई बार स्टूडेंट कहते हैं बहुत टफ लगता है DI और मैथमेटिकल रीजनिंग। इसका टफ लगने का कारण है कि आप शायद, मुझे लगता है, खुद प्रैक्टिस नहीं करते इसके। खुद भी कुछ प्रैक्टिस किया करो तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आता है, क्योंकि ये प्रैक्टिस करने वाला सेशन रहता है। हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। फ्रेंड्स, क्या आपको यूजीसी नेट पेपर को हैंडल करने में प्रॉब्लम आ रही है? कई बार ऐसे लगते हैं कि सारे ऑप्शन भी ये ठीक से हैं, एक जैसे से ऑप्शन लग रहे हैं। तो अगर आप इन कंसेप्ट्स को क्लियर करना चाहते हैं और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं चित्त को शांत करके, तो हमारे साथ आप SWMG एप्लीकेशन पे जुड़ सकते हैं, जिसपे हम लाइव सेशन लेते हैं। और लाइव सेशन के साथ अगर कोई नहीं देख पाता है तो रिकॉर्डेड सेशन भी उनको मिलते हैं, और हिंदी और इंग्लिश माध्यम में दोनों में तैयारी करवाते हैं। और PDF नोट्स भी होते हैं, अगर आप चाहते हैं तो उनका प्रिंट निकलवा सकते हैं। और एकदम क्लास में एक फैमिलियर माहौल रखते हुए रेज हैंड का ऑप्शन रखते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को डाउट आता है पढ़ते टाइम, तो रेज हैंड करके वो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकता है, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकता है। और बिल्कुल हम टू द पॉइंट कि इस कॉन्सेप्ट से किस तरह के क्वेश्चंस बने हुए हैं, आगे किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, उस पर बात करते हैं। SWMG ऐप को इंस्टॉल करें, रजिस्टर करें। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स, बात करते हैं। इफ ए शॉपकीपर गिव्स 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% ईच, देन वट इज़ द इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज। यदि कोई दुकानदार प्रत्येक 20% की लगातार 3 छूटें देता है तो प्रभावी छूट प्रतिशतता क्या है? देखो, 20% की 3 छूट दे रहा है, तो कई बार स्टूडेंट क्या होता है, गलती कर देता है, 20-20-20 जोड़ के 60 कराएगा आंसर कि 3 छूट दे रहा है 20% की। इसका कहने का मतलब लगातार 3 छूट दे रहा है, सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20-20%। इसका क्या मतलब है? मान लो कोई चीज़ 100 रुपये की थी, तो इस पे तीन बार डिस्काउंट दे रहा है वो 20-20% का लगातार। तो 100 रुपये वाली पे पहला 20% दिया तो 100 रुपये वाली चीज़ कितने की मिलेगी आपको? 80 रुपये की मिलेगी। 20% हो गया ना, ये 100 रुपये का 20% छूट मिल गई, यानी कि वो 80 की 3 दे रहा है, ये तो आपको पहली छूट होगी। 3 दूसरी छूट क्या मिलेगी? फिर इस पे 20% मिलेगी। 80 रुपये पे 20% है, कितने रुपये की छूट हो गई? 16 रुपये की छूट हो गई। कितने रुपये की होगी? 16 रुपये की छूट हो गई। 100 पे 20%, ठीक है ना? तो एक तरह से 20 रुपये की छूट, क्योंकि परसेंट में है, तो 100 पे 20 रुपये की छूट मिल रही है। अब 80 पे कितने रुपये की छूट मिलेगी? 16 रुपये की छूट मिलेगी। 20% इतना ही हो गया ना, 16 रुपये की तो छूट मिलेगी। अरे नहीं समझे क्या? 100 रुपये पे 20% छूट है। 20% मतलब 100 रुपये पे 20 रुपये की छूट मिल रही है, तो 100 रुपये पे 20 की मिली तो 80 रुपये की मिल गई। अब 80 रुपये पे 20% मिल रही है, 20% है, तो 100 पे 20 रुपये की छूट मिल रही थी तो 80 रुपये पे कितने मिलेगी? 16 रुपये की छूट मिलेगी, ठीक है? तो ये चीज़ कितने रुपये की होगी आपको? 16 रुपये घटा दीजिए 80 में से, तो 10 में से 6 गए 4, और इधर बच गया 7, 7 में से 1 गया, कितना बच गया? 6, 64 रुपये की चीज़ मिल गई आपको। अब एक 20% और करना है इस पे, इसका 20%, तीसरे पे भी 20% करिए। 100 रुपये पे 20 रुपये, 80 रुपये पे 20% हो गया 16 रुपये, अब 64 रुपये पे 20% कितना हो गया? तो 64 का 20% देखिए कितना हो गया, 64 का 20%, 4 × 8 = 6 × 12, 12 रुपये 80 पैसे की छूट और मिल जाएगी आपको, 12 रुपये 80 पैसे की छूट और मिल जाएगी, ठीक है? यानी कि 20% का मतलब क्या होता है, 100 पे 20 रुपये छोड़ेगा वो, तो 80 रुपये पे 16 रुपये छोड़ेगा और 64 रुपये पे 12 रुपये 80 पैसे छोड़ेगा। ये तो बेसिक सी बात है ना, 3 छूट दे रहा है, पहली छूट दी आपको 20 रुपये की, दूसरी छूट दे दी 20%, 20% की छूट है ये, लगातार 20% की छूट दे रहा है, 20 रुपये की नहीं दे रहा, समझ रहे हो ना? तो 20% की छूट है, तो 100 रुपये पे 20% है, यानी कि 20 रुपये की छूट 80 रुपये की, 80 पे 20% है ना, तो इसका मतलब है 80 का 20% कितना हो गया? 16, तो 16 रुपये की छूट ये 64 की मिल गई। अब 64 पे 20% है, तो 64 रुपये पे 12 रुपये 80 पैसे फिर वो कम कर देगा, तो 12 रुपये 80 पैसे कम कर दीजिए 64 पे, तो वो चीज़ कितने की मिलेगी आपको? देखिए 10 में से 8 गया 2, ठीक है, और यहाँ पे बच गया 3, 3 में से 2 गया 1, ठीक है, और 51 रुपये 20 पैसे की वो चीज़ मिलेगी आपको, 51 रुपये 20 पैसे की वो फाइनली आपको चीज़ मिल जाएगी। लेकिन आपको छूट कितनी मिली, कितनी छूट मिली, कितने रुपये की? 20 रुपये की यहाँ मिली, 16 रुपये की यहाँ मिली, और 12 रुपये 80 पैसे की यहाँ मिली, तो टोटल छूट कितनी मिली आपको? 80 पैसे, तो ये हो गए 6 और 2 = 8, और 2 और 1 = 3 और 1 = 4 = 48, 48 रुपये 80 पैसे की छूट मिल गई ना आपको टोटल,
₹20 की, ₹16 की और ₹12.80 की, तो 20 और 12 36, 36 और 12 48, 48.8 यानी कि ₹48.80 की छूट मिली है, 20% तीन सक्सेसिव डिस्काउंट। तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, 20% 60 कह देते हैं, 60 नहीं, आपको एक्चुअल में ₹48.80 की छूट मिली है। कई बार आता है ना 50+50% का, तो इसका मतलब फ्री में थोड़ी हो जाएगी वो चीज़, ठीक है ना। तो ऐसे होता है परसेंटेज कि शोरूम में भी आप देखते हो तो 50+20% डिस्काउंट, इसका मतलब ऐसे होता है क्योंकि जो अगली राशि मिल गई उस पे आपको 20% है, जैसे 80 पे 20% हो गया, ₹16 का हो गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। समझ में आया कि नहीं आया प्लीज बताओ, समझ में आ गया ना, चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर इसमें ये पूछते ना वो चीज कितने रुपए की मिली है, तो ₹51.20 की चीज मिली है उसको, ये ऑप्शन हो जाता, जबकि उसको ने ये पूछा कितने रुपए की छूट मिली है उसको, तो छूट तो ₹48.80 की मिली है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि UGC नेट का जो पेपर वन है उसकी टेस्ट सीरीज चल रही है अपनी एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन का नाम है SWMG सक्सेस विद मुकेश गोयल, अपनी वेबसाइट है SWMG.in, और इस टेस्ट सीरीज में वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा आपको, जो भी क्वेश्चन होंगे उसके वीडियो सॉल्यूशन होगा, जैसे ही आप अटेम्प्ट करोगे जब सॉल्यूशन देखोगे तो वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, जिस तरह से अभी हम क्वेश्चन को समझते हैं वैसे ही वीडियो सॉल्यूशन से समझेंगे, तो अगर आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और पेपर टू अपना इन्वायरमेंटल साइंस है जिसका कोड नंबर 89 है, उसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है अपनी ऐप पे SWMG पे सक्सेस विद मुकेश गोयल पे, अगर आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस पे मैसेज करके देख सकते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे आपको नंबर मिल जाएगा वहां पे मैसेज करके, ठीक है फ्रेंड्स, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है द प्राइस ऑफ सुगर हैज इंक्रीज्ड बाय 25%, बाय हाउ मच परसेंट शुड देयर बी ए रिडक्शन इन कंजप्शन सो दैट द एक्सपेंडिचर रिमेन द सेम। चीनी के दाम में 25% का इजाफा हो गया है, कितना प्रतिशत तक खपत में कमी होनी चाहिए ताकि खर्च एक जैसा ही रहे, खर्च एक जैसा ही रहे, ठीक है ना, और कितने खपत भी प्रतिशत में है और चीनी का भाव भी प्रतिशत में है, तो 100-100 मान सकते हैं। हमने ये माना कि चीनी पहले ₹100 किलो थी, हमने ये मान लिया कि चीनी पहले ₹100 किलो थी, ये मान लिया, और आपने 100 किलो चीनी खरीदी तो आपका ₹10,000 लगा, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि एक्सपेंडिचर सेम रहना चाहिए, ठीक है, तो चीनी का भाव हो गया ₹125 किलो, ठीक है, देखो 25% बढ़ गया, तो अब आपको कितना खपत करना पड़ेगा, कितना खपत होना चाहिए, पहले खपत निकालेंगे फिर खपत में कमी कितनी होनी चाहिए ये देखेंगे, तो अभी खपत कितना होना चाहिए देख रहे हैं, तो 125x * कितना आ गया 10,000, x = कितना आ गया 10,000/125, तो कर लो 8 से भाग दो, 8 5 40, 4 12 8 96 400, यानी कि 125 8 कितना हो गया 1,000, तो काट दो 8 से यानी कि 80, ठीक है, यानी कि अब आपको पहले अगर 100 किलो आप यूज कर रहे थे चीनी 100 के भाव में, तो अब आपको 125 के भाव में 80 किलो चीनी लेके आनी पड़ेगी, तभी आपका पहले और अब का एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा समान रहेगा। तो अब कितनी लेके आ रहे हो आप 80 किलो, तो पहले से कमी कितनी परसेंट की होगी, पहले आप ले आ रहे थे 100 किलो अब लेके आ रहे हो 80 किलो, तो कितने परसेंट की कमी आ गई, कितने परसेंट कम खपत करनी पड़ेगी आपको, 20% ही कम करनी पड़ेगी, पहले 100 थी अब 80 होगी, तो कितना प्रतिशत 20% कम होगी, तो 20% खपत कम होगी, 80% मत कराना, 80% तो 80 किलो तो एक तरह खपत हो रही है, ठीक है, लेकिन कितने परसेंट में कमी आई है, तो 20% में कमी आ गई ना, क्योंकि पहले 100 किलो लेके आ रहे थे अब 80 किलो लेके आ रहे हो, तो 100 पे कितनी कम हो रही है 20 कम हो रही है, तो 20% हो गई, इसका राइट आंसर क्या हो गया 20%, समझ में आई बात, चलो बहुत बढ़िया। शांति से सुनोगे तो सारी बातें समझ में आ जाएगी, चित रिलैक्स होगा तो भी सारी बातें समझ में आ जाएगी, नहीं तो नहीं आएगी। एक ये नंबर सीरीज दी हुई है, ठीक है, 3, 11, 35 और 63, 3, 15, 35 और 63 नेक्स्ट नंबर पूछा है, तो ये नंबर सीरीज में देखो ऐसे है, तो आप एक चीज देखिए, इसमें आपको एक चीज दिख रही होगी कि नंबर बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो या तो इनटू होता है या प्लस होता है, यही बात होती है, घटाओ और इसमें वो तो कुछ हो नहीं रहा, चीजें बढ़ रही है तो बढ़ रही है, तो देखते हैं क्या चीज हो रही है, 3, 15, 35 और 63 ये चीजें हैं, तो चलो चलते हैं 3, 15, 35 और 63, 3 के बाद 15 आ रहा है,
15 के बाद 35 आ रहा है, 35 के बाद 63 आ रहा है, इसके बाद पूछा है, तो कुछ कॉम्बिनेशन बनाओ। जैसे ये देखना, 2 का स्क्वेयर करना और माइनस 1 करो, कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये देखो 15 है, 4 का स्क्वेयर करो माइनस 1, 15, 35 है, 6 का स्क्वेयर करो माइनस 1, ये 63 है, 8 का स्क्वेयर करो माइनस 1। तो ये देखो क्या हो रहा है, दो दो का बढ़ा के स्क्वेयर कर रहे हैं, 2 का स्क्वेयर माइनस 1 करा, 4 माइनस 1 3 आ गया, 4 का स्क्वेयर माइनस 1 करा, 16 माइनस 1 15 आ गया, 6 का स्क्वेयर 36 माइनस 1 35 आ गया, 64 माइनस 1 63 आ गया। ऐसे ही क्या होगा, नेक्स्ट 2, 4, 6, 8, 10 का स्क्वेयर माइनस 1 होगा, तो 10 का स्क्वेयर माइनस 1 कितना हो गया, 100 माइनस 1 यानी कि 99, तो 99 इसका आंसर आ गया, 99 आ गया। ये नंबर सीरीज वगैरह आप जैसे जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी आएगी, ऐसे जितना आप क्वेश्चंस एक दो डेली बेसिस पे निकाला करो, खुद ही प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फ्रेंड्स प्लीज़ शांति से इन चीज़ों को देखा करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है ए फ्रैक्शन इज सच दैट व्हेन 5 इज एडेड टू द न्यूमरेटर देन इट इज वैल्यू इज 1, अगेन व्हेन 6 इज एडेड टू डिनोमिनेटर देन द वैल्यू इज 1/2। द फ्रैक्शन इज, एक अंश ऐसा है जब अंक 5 जोड़ा जाता है तो इसका मूल्य 1 हो जाता है, फिर जब भाजक में 6 जोड़ा जाता है तो वैल्यू 1/2 हो जाती है, तो वो अंश हर क्या है, अंश और हर क्या होता है आपको पता होगा, जो ऊपर वाली राशि होती है, ठीक है ना, न्यूमरेटर होती है और नीचे होती है डिनोमिनेटर होती है, यानी कि अंश और हर जिसको हम बोलते हैं। जैसे ये है, जैसे पहला जैसे 16/21 है, तो ये क्या है, एक तरह से अंश है, ठीक है, और ये एक तरह से हर है, यानी कि ये एक तरह से न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। तो अब इसमें कह रहा है जब हम कोई वैल्यू है जो न्यूमरेटर में 1 जोड़ते हैं तो उसमें जो वैल्यू आ जाती है वो, जब 5 जोड़ते हैं, सॉरी कितना ऐड करते हैं, जब 5 ऐड करते हैं तो वैल्यू 1 आ जाती है। तो 5 जोड़ो, 16 और 5 21 तो 1 आ रहा है, 13 और 5 18 18/18 इसमें भी 1 आ रहा है, 11 और 5 16 16/16 इसमें भी आ रहा है, इसमें तो सारे 1-1 आ रहे हैं, लेकिन ये कंडीशन तो सब भी सूट बैठ रही है। ये कह रहा है ऊपर वाली राशि में जब 5 जोड़ते हैं तो हमारे को 1 मिलता है, तो जोड़ के देखो 16 में 5/21 16 और 5 21/21 1 आ गया। अब 13 और 5 18 18, ठीक है, 18/18 ये भी क्या आ गया, 1 आ गया, तो ये तो सारे ही आ रहा है। दूसरा देखो, दूसरी ये वाली कंडीशन तो सब ऑप्शन में हो रही है, दूसरे वाले में कह रहे हैं अगेन व्हेन 6 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर देन द वैल्यू इज 1/2। अगर हम नीचे वाले भाग में अगर 6 जोड़ते हैं तो वैल्यू 1/2 आती है, तो नीचे वाले भाग में 16, ठीक है, और 21 में 6 जोड़ो 27, तो 1/2 तो नहीं आ रही, इसमें ये कंडीशन नहीं हो रही, 1/2 कहाँ रही है, 16/27 करो, 1/2 आ रही है क्या, नहीं आ रही, ठीक है, पहली कंडीशन तो सब पे लागू हो रही थी, दूसरी नहीं हो रही, तो इस ऑप्शन को काटो, 13, 18 में 6 जोड़ो 24, 13/24 भी 1/2 नहीं है, 12/24 1/2 होता है, तो ये भी कंडीशन नहीं है, पहली वाली तो लागू है, दूसरी वाली नहीं है। अब 11/16, तो 16 के अंदर जोड़ो 6, 16 और 6 22, 11/22 1/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसमें ये दोनों कंडीशन लागू होगी, तो सी ऑप्शन राइट हो गया। लास्ट वाले में भी नहीं होगी, 18/29 हो जाएगा, 23 और 6, तो इसमें तो बेसिक सी बात है, जोड़ के देखना है ऊपर और नीचे वाले में, पहली कंडीशन सब में हो रही है, दूसरी कंडीशन सिर्फ सी वाले में हो रही है, ठीक है, तो दोनों कंडीशन के लिए सेट कौन सा बेस्ट है, सी ऑप्शन बेटर है, तो राइट ऑप्शन 11/16 हो गया। बेसिक सी बात है, जोड़ना है, कह रहा है कि इसमें ऊपर वाले में 5 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, तो 11 पे 5 जोड़ो 16 16/16 1 आ गया, तो नीचे वाले में 6 जोड़ने से 1/2 आएगा, तो जोड़ो 11 और 16 में 6 जोड़ो 22, 11/22 1/2 आ गया, तो बिल्कुल राइट आंसर ये हो गया, बेसिक बात है, चलो बहुत बढ़िया। एक्शन रिसर्च इज साइक्लिक, एक्शन रिसर्च एक चक्रीय रिसर्च है, आपको पता है, ठीक है, क्यों है, क्योंकि इन सो फार इट इन्वॉल्व प्लान एक्ट ऑब्जर्व रिफ्लेक्ट साइकिल, बिल्कुल सही बात है, आपको पता है जो एक्शन रिसर्च है, जो क्रियात्मक शोध है, वो अप्लाइड रिसर्च का भाग है, और वो एक साइक्लिक एक चक्रीय रिसर्च है, क्योंकि पहले किसी काम पे प्लान बनाया जाता है, फिर उस पे एक्ट किया जाता है, फिर ऑब्जर्व होता है, फिर रिफ्लेक्ट होता है, ऐसे चलता है, PAOR, ठीक है, प्लान एक्ट ऑब्जर्व रिफ्लेक्ट, यही सीक्वेंस दिया हुआ है, पहले प्लान है, फिर एक्ट है, फिर ऑब्जर्व है, फिर रिफ्लेक्ट है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट बिल्कुल सही है, ये ध्यान रखना है, आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करो ये भी बात ध्यान रखिए, कहीं पहले एक्ट ना हो क्वेश्चन में, देख लेना अच्छे से स्टेटमेंट में, जल्दबाजी में
ये गलत कर देते हैं, ये सीक्वेंस है, ऐसे ही रहेगा, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, इट हैपन्स वेयर द रियल एक्शन इज टेकिंग प्लेस एंड इट अलाउज फॉर इमीडिएट एक्शन, जहाँ वास्तविक कार्रवाई होती है और यह तत्काल कार्रवाई की अनुमति देता है। बिल्कुल, आपको पता है जो एक्शन रिसर्च है, आपने सुना होगा कि इसके काम में एक्शन ले लो, एक्शन लेना चाहिए, इमीडिएट सॉल्यूशन की ये बात करता है। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दोराई की बात नहीं है, ये अप्लाइड रिसर्च का भाग है, इमीडिएट सॉल्यूशन तत्काल कार्रवाई की बात करता है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट भी सही है और स्टेटमेंट सेकंड भी सही है, यानी कि बोथ स्टेटमेंट है वो ठीक है ना, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट टू आर करेक्ट, कथन एक और कथन दो दोनों सही है, इस बात का ध्यान रखें। आगे बात करते हैं, आगे जो ये क्वेश्चन है, ये पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है। अब पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग आर इमिटेड फ्रॉम कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, निम्नलिखित में से कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट से क्या उत्सर्जित होता है। आपको पता है थर्मल पावर प्लांट जो होता है उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, और इसमें जो कोयला यूज होता है, कोल यूज होते हैं, ऐसे थर्मल पावर प्लांट के बारे में बात की है कि कोयला आधारित जो थर्मल पावर प्लांट है उसमें क्या क्या चीज़ें उत्सर्जित होती है। तो आपको पता है कोल एक जीवाश्म ईंधन है, फॉसिल फ्यूल है, अगर ये जलेगा है ना, क्योंकि ये बर्न होगा, तो क्या क्या चीज़ें इमिट होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड तो निकले ही निकलेगा जब फॉसिल फ्यूल जीवाश्म ईंधन जब जल रहा है। तो ओजोन, ओजोन नहीं निकलता है, आपको पता है ओजोन एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट होता है, द्वितीयक प्रदूषक होता है, वो डायरेक्टली नहीं निकलता है, इस बात को हम जानते हैं, वो तो रिएक्शन करके बनता है, तो ये नहीं होगा। सल्फर डाइऑक्साइड ये निकलता है, जिसको हम सॉक्स भी बोल देते हैं, या SO2 हो गया, नॉक्स भी निकलेगा, सॉक्स नॉक्स ये निकलता है, पार्टिकुलेट मैटर यानी कि छोटे छोटे जो कण कण होते हैं वो भी निकलते हैं। तो सिर्फ ओजोन को छोड़ के और जितनी भी चीज़ें हैं वो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से इस ऑप्शन में वो इमिट होगी, उत्सर्जित होगी। तो बी को छोड़ दो, यानी कि ACDE, तो ACDE इज द राइट आंसर, तो ये फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया, बड़ी शांति से करना है चीज़ों को, सोच समझ के करना है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन मैक्सिमम हमारे यहाँ थर्मल पावर प्लांट से ही होती है, आप अभी जानते हो। ये क्वेश्चन है कम्युनिकेशन वाली यूनिट से, द सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट इन लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज, लीनियर मतलब रेखीय मॉडल हो गया, और रेखीय मतलब यहाँ पे फीडबैक नहीं है, ठीक है, और जो टू वे होता है वहाँ फीडबैक होता है। तो यहाँ पे लीनियर मॉडल में कैसे चलता है, तो सब आपको पता है कोई सेंडर होता है, ठीक है, फिर इनकोडिंग होती है मैसेज की, और फिर वो चैनल के थ्रू जाता है, फिर डीकोडिंग होती है रिसीवर वेव पे। तो इस तरह से ये सीक्वेंस चलता है, ठीक है ना, यानी कि डीकोडिंग होगी वो रिसीवर वेव पे होगी, ठीक है, और जो नॉइज़ वगैरह होगा वो यहाँ हो जाएगा चैनल और मीडियम के अंदर, और इनकोडिंग होगी मैसेज की। तो इस सीक्वेंस में पूछा है, तो देखो इनकोडिंग होगी मैसेज की, CA तो यही है, सही है, इनकोडिंग हुआ मैसेज, फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद है मीडियम, और मीडियम के साथ आपका नॉइज आ गया, और डीकोडिंग होगी, डीकोडिंग यहाँ रिसीवर आता तो इसके बाद रिसीवर भी आ जाता, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये है। ये तो बेसिक सी बात है, समझ में आ रहा है, अरे समझ में आ रहा है ना, प्लीज़ शांति से चीज़ों को समझना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल रिलैक्स होके ऑप्शन को शांति से करोगे तो आई थिंक हो जाएंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इम्प्लॉय ओनली सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, सिंक्रोनस यानी कि समकालिक संचार का उपयोग करती है। समकालिक आपको दो टर्म पढ़ाते हैं, एक तो सिंक्रोनस, सिंक्रोनस जिसको समकालिक कहते हैं, देखो है ना हिंदी में, और एक होता है असिंक्रोनस, असिंक्रोनस जिसको हम असमकालिक कहते हैं। तो समान समय जो चीजें चलती है वो सिंक्रोनस होती है, लाइव सेशन चलता है, ठीक है, तो वो सिंक्रोनस होता है, बिल्कुल लाइव चलता हो, इंस्टेंट चलता हो, वो सिंक्रोनस या समकालिक होता है, यानी कि उसका काल समान होता है, जबकि असिंक्रोनस असमकालिक होता है, जो लाइव नहीं चलता हो, जो एकदम इंस्टेंट ना हो रहा हो, वो असमकालिक होता है। तो आपसे सिंक्रोनस पूछा है, समकालिक कौन कौन सा है, तो जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, हम वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो तो समान समय ही चलता है, जिस समय जो बोल रहा है उसी समय सुना जा रहा होता है, लाइव सेशन चलता है, तो एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समकालिक हो गया। दूसरा ईमेल, जो ईमेल है इलेक्ट्रॉनिक जो मेल करते हैं वो समकालिक में नहीं आता है, वो असिंक्रोनस होता है, क्योंकि मेल का कोई लाइव वो नहीं रहता है, तो ईमेल नहीं आएगा, ठीक है। फॉर्म्स है यहाँ पे मंच, डिस्कशन मंच है,
जब कोई, जैसे ये स्वयं के अंदर भी है डिस्कशन फॉर्म, तो इसमें क्या होता है कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपने टाइप करके रख दिया, और जब भी कोई टीचर आएगा तो उसमें आंसर करेगा, मतलब लाइव सेशन नहीं चलता है इस मंच पे। तो ये भी एसिंक्रोनस का एग्जांपल है, जबकि आपको सिंक्रोनस पूछा है तो ये कट जाएगा। इंस्टेंट मैसेज खुद ही लिख रखा है, इंस्टेंट है, तत्क्षण, एकदम एकदम इंस्टेंट है, तो लाइव की तरह है सारा कुछ, तो ये भी हो जाएगा। तो ए और डी हो गया, वो किस में आ गया, सिंक्रोनस में आ गया, ए और डी, ठीक है, ए और डी किस में आ गया, सिंक्रोनस में आ चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान रखें। ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये मैथमेटिकल रीजनिंग में जो नंबर सीरीज आती है वहां से क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो आपको पता है नंबर सीरीज जो आती है, ये जैसे अभी इसमें देखें 2, 9, 11, 35, 54, 77 और एक्स, यहाँ पे क्या आएगा ये पूछा है। तो फ्रेंड्स एक बात समझिए आप, ये बढ़ते हुए क्रम में है, 2 के बाद 9 आ रहा है, 9 के बाद 20 आ रहा है, फिर 35 आ रहा है, 54 आ रहा है, 77 आ रहा है, तो बढ़ते हुए क्रम में है तो बढ़ेगा कब, या तो कोई चीज़ जुड़ेगी तभी बढ़ेगा, या फिर इनटू होगा तो बढ़ेगा। इसमें घटाओ यानी कि इसमें कोई चीज़ है घटाव नहीं हो रहा, और ना ही इसमें भाग दिया जा रहा है, या तो जुड़ेगी या फिर गुना होगा। तो इसको हम ऐसे लिखें, 2 के बाद है 9, 9 के बाद है 20, 20 के बाद है 35, 35 के बाद 54, 54 के बाद 77, इसके आगे पूछा है क्या आएगा। तो 2 के बाद 9 आ रहा है तो 7 का डिफरेंस है, देखो 9 के बाद 20 आ रहा है तो 11 का डिफरेंस है, 20 के बाद 35 आ रहा है तो कितने का, 15 का डिफरेंस है, 35 के बाद 54 आ रहा है तो कितने का, 19 का डिफरेंस है, और 54 के बाद 77 आ रहा है तो 23 का डिफरेंस है। तो अब इनके बीच देखो 4-4 का डिफरेंस है कि नहीं, सबके 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 और 4 19, सबका 4-4 है। तो नेक्स्ट 77 में क्या जोड़ोगे आप, 4 बढ़ा के जोड़ रहे हैं ना, देखो 2 के अंदर 7 जोड़ा 9 आ गया, 9 के अंदर फिर 11 जोड़ा, 4 बढ़ा के जोड़ रहे हैं तो 20 आ गया, 20 के अंदर फिर 4 बढ़ा के 15 जोड़ा, 35 आ गया। तो इसी तरह 77 में आप 4 बढ़ा के जोड़िए, यानी कि कितना, 27 जोड़ दीजिए, 23 और 4 बढ़ाइए 27 हो गया, 27 में 77 जोड़िए तो अब लो 27 और 77, 7 और 7 14, 1, 7 और 2 9, 10, 104 आ गया। देखो राइट आंसर 104 आ गया ना, बिल्कुल बेसिक सी बात है, कोई डिफिकल्ट है ही नहीं, बिल्कुल शांति से आप चीज़ों को कर सकते थे। तो प्लीज़ इस तरह थोड़ा, ये नंबर सीरीज है ना, आपका टाइम कई बार खा भी जाती है, कई बार ऐसे लगता है कि मैं आंसर कर दूंगा, और अपने आप से जिद भी हो जाती है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस तरह की जिद ना करें, शांति से चीज़ों को करें, अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ें, क्योंकि वरना ये बड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है कई बार, ये नंबर सीरीज वाला चीज़ें है ना, ऐसा लगता है अभी आ ही गया आंसर, अभी आ ही गया, बस अब आने ही वाला है, लेकिन वो टाइम बहुत खा जाता है, तो ध्यान रखें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर, निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण अवरोध से निपटने में मदद करेगा, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कम्युनिकेशन बैरियर को हटाएगी, यानी कि किसी से आप संचार या संप्रेषण कर रहे हो, कौन सी ऐसी चीज़ है जो अवरोध नहीं आने देगा। नेगलेटिंग सिमनेटिक नॉइज, शब्दार्थ शोर की उपेक्षा करना, यानी कि किसी शब्दार्थ शोर का मतलब एक तरह से किसी की भाषा है उसकी उपेक्षा, नहीं उसकी उपेक्षा नहीं करोगे अगर, क्योंकि उपेक्षा कर दी तो ये तो एक बैरियर आ गया, उपेक्षा नहीं करनी है, तो ये तो कह रहे हैं शोर की उपेक्षा नहीं करनी, तो ये तो नहीं होगा, ये बैरियर तो बढ़ाएगा, ये घटाएगा नहीं। जबकि क्वेश्चन में पूछा है कौन सी चीज़ है जो बैरियर से निपटने में मदद करेगा, टॉप डाउन कमांड स्ट्रक्चर, टॉप डाउन, ठीक है ना, जो वर्टिकल कम्युनिकेशन होता है, बॉसिज्म वगैरह की बात होती है, तो ये भी बैरियर बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा, ठीक है। और पुराने मुहावरों का यूज़ करना, ये किसी को ना समझ आए तो भी, ये भी तो बढ़ाएगा बैरियर, लेकिन सबसे बेस्ट है कि आप फोकस लिसनिंग करिए, किसी को ध्यान से सुनोगे तो कम से कम बैरियर होगा, आपको कम से कम उसमें रुकावट आएगी, तो फोकस लिसनिंग होनी चाहिए, ये बेस्ट ऑप्शन हो गया, ध्यान से सुनना, ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। तो राइट आंसर इसका क्या हो गया, डी हो गया। और फ्रेंड्स एक बात हमेशा ध्यान रखें कि हमेशा अपने चित्त को रिलैक्स रखें, मन को शांत रखें तो बहुत बेहतर होगा, अगर आप टेंशन लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं लग रहा मुझे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, टेंशन में आपकी ही परेशानियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा तो कुछ भी हो सकता है अगर आपने खुद टेंशन लेना शुरू कर दिया तो। टेंशन को दूर छोड़िए और काम कीजिए, ठीक है, और ज़्यादा सोचने से, एक बार सोच लिया कि ये करना है, बार बार सोचना नहीं है, उसको करना है, और जितना अच्छे से करोगे, जितना सकारात्मक रह के चीज़ों को, जितना पॉजिटिव रह के चीज़ों को करोगे उतना बेहतर होगा। और कभी ये मत सोचना कि सारी सिचुएशंस हैं वो आपके फेवर में आ जाएगी फिर आप काम करोगे, ऐसा कभी नहीं होता है, वो आपको काम करते रहना है, सब अपने आप होता रहेगा,
तो ज़्यादा टेंशन ना लेके काम पे फोकस रखें और आप हमेशा खुश रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हो सब लोग? यूजीसी नेट पेपर वन की तैयारी कैसे चल रही है? अगर कंफ्यूजन है, अगर कोई ना कोई दिक्कत आ रही है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं SWMG एप्लीकेशन पे, जिसमें हम लाइव सेशन, लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड सेशन भी आपको प्रोवाइड करवाते हैं। और कोई भी बैरियर नहीं है लैंग्वेज का, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हम तैयारी करते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और हर कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, तो आइए और SWMG पे मिलकर तैयारी करते हैं, चित्त को शांत रखते हुए। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स।